हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी व्यक्तित्व का मापन। इसमें मैं ये बताऊंगी व्यक्तित्व के मापन की कितनी विधियाँ होती हैं। प्रायः देखिए, भिन्न भिन्न प्रयोजनों के अनुसार व्यक्तित्व के मूल्यांकन की स्थितियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ विधियाँ अधिक विस्तृत होती हैं और कुछ अन्य विधियाँ से संक्षिप्त होती हैं, तथा व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं की ही जाँच करनी है। मुख्य विधियाँ इस प्रकार से हैं। पहला है मूल्यांकन विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है आरोपणात्मक विधि, चौथा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, पांचवा है प्रश्नावली विधि, छठा है परिस्थिति परीक्षण विधि, सातवां है व्यक्तित्व परिसूचियां, आठवां है जीवन वृत्त। तो इस प्रकार से आठ विधियां हैं। इसमें आप विधियों को हम धीरे धीरे बताएंगे। तो सबसे पहला है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि में यह विधि काफ़ी हद तक वैज्ञानिक है। इसमें प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम भी हुआ करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से यह विधि भी पर्याप्त जटिल है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भावात्मक मूल्य प्रदान किया जाता है। दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि, इसको मैं आपको आगे बताऊँगा।